नगरपालिका के कबूतरों पर बिल्ले की लगी नजर, एक दिन में खा गया दर्जनों कबूतर। मोती गार्डन में पाले गए थे कबूतर, चौकीदार पर उठ रहे हैं सवाल। सुनने में भले ही यह बात अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि नगरपालिका के दर्जन भर कबूतरों को एक बिल्ला खा गया है, जिसे लेकर अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नगरपालिका बालाघाट के द्वारा शहर के मोती गार्डन में कुछ साल पहले कबूतर पाले गए थे। इन कबूतरों का कुनबा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, लेकिन इन कबूतरों को एक बिल्ले की नज़र लग गई, जिससे यहाँ मौजूद सारे कबूतर गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चौकीदार के द्वारा रात्रि में कबूतरों को लॉकअप में बंद किया गया था, इसके बावजूद बिल्ले ने उन्हें सफाचट कर दिया। सुबह जब इस बात की खबर चौकीदार को लगी तो उसने इस बारे में नगरपालिका को सूचना भी दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि बिल्ले के द्वारा मारे गए एक भी कबूतर का कोई सबूत नहीं मिला है, जिसे लेकर अब नगरपालिका में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मोती गार्डन के एक कर्मचारी ने बताया कि उन्हें चौकीदार ने इसकी जानकारी दी, लेकिन बिल्ला आया कहां से यह अभी तक सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस स्थान पर कबूतरों का आवास बनाया गया था वह ऊंचाई पर होने के साथ साथ सुरक्षित भी था। ऐसे में एक साथ सभी कबूतरों को बिल्ला कैसे खा जाएगा, यह सवाल उठना लाजमी है। हालांकि इसे लेकर कर्मचारी के द्वारा कुछ इस तरह का तर्क भी दिया जा रहा है। चौकीदार का कहना है कि रात में एक बिल्ला आ गया था, दो बिल्ले तो उनने कबूतर पे हमला कर दिया, तो उसके वजह से उनको नुकसान पहुंच गया, दो तीन कबूतर खा भी गया और घायल भी कर दिया उसने। लेकिन जो कबूतर का निवास है उसमें एक लॉकअप का भी सिस्टम था, तो वो लॉकअप वॉकर सब वगैरह है, तो कैसे फिर तोड़ के घुस गया अंदर? अब वो बिल्ला है, अब कैसे तोड़ के घुस गया यही चौकीदार बता सकते हैं। मैं तो चौकीदार ने जो बताया मैं वही आपको बता रहा हूँ।